अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं उत्तपम बना रही हूँ विथ लॉट्स ऑफ वेजेस के साथ। सो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट उत्तपम बनाना। सो यहाँ पे मैंने रावा ले लिया है, इसमें वाटर ऐड कर दिया और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने वेजेस लिया है, टमाटो, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स एंड यहाँ पर मैं मटर, फ्रोजन मटर है और ये कॉर्न है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। एंड यहाँ पर मैंने ये जो रावा को ये मिक्सर में थोड़ा सा मैंने जार, मिक्सी जार में थोड़ा सा मैं पीस ली थी, तो इसका बैटर कुछ इस तरीके से हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कर्ड ऐड करूँगी। तो जल्दबाजी की वजह से कर्ड का कुछ ऐसा हाल हो गया था, आप देख सकते हैं, मैं थोड़े से मिक्स करना चाह रही थी तो इस तरीके से हाल हो गया था मेरा। सो आप देख सकते हो इसका बैटर इस तरीके से रहेगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर ऐड होगा, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लेना और शुगर थोड़ा सा, मैं हल्का सा 1/2 टीस्पून मैंने शुगर ऐड किया जिससे टेस्ट इन्हेंस होगा। सो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इस वेजीज में मैं छौंका दूंगी मस्टर्ड सीड का और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सो इसे अच्छे से मिक्स कर देना अपने हाथों के हेल्प से। ये जब अच्छे से मिक्स हो गया है देन मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट मैं थोड़ा हल्के में रखूँगी क्योंकि मेरे बैटर में भी सॉल्ट है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, देन मैंने एक पैन ले लिया है। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उत्तपम का बैटर डाल दिया है और यहाँ पर अच्छे से वेजेस ऐड कर दिए हैं। लॉट्स ऑफ वेजेस इसमें ऐड करना है, ठीक है, जिससे टेस्ट और इन्हांस होगा। सो एक साइड अगर आपका अच्छे से इस प्रेस कर लेना है और आपको फ्लेम हाई नहीं रखना है, लो रखना है। नेक्स्ट इसका साइड चेंज कर देना है और ये मेरा उत्तपम का फाइनल लुक है। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।